आई हूँ, आओ ना बैठो बैठो। अरे मानसी संभालना, कैसे गिर गई तू? बातों के चक्कर में तो तुझे कुर्सी का ध्यान ही नहीं रहा। उठ उठ, पता नहीं। अरे रे रे मालती मैं, अब जमीन पर क्यों बैठी है? अब क्या बताऊं अल्पा, इसे हमारे घर के फर्श से इतना प्यार हो गया कि बातें करते करते जमीन पे गिर गई। चलो चलो उठो उठो। ओह माँ, आराम। क्या बताऊं, आज कल मालती बहन का कुछ ऐसे ही हो गया है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। हाँ, आंखों के सामने जो होता है मालती बहन आपको देखती ही नहीं। अब देखिए बाकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी आप जिद लेकर बैठी हैं कि नहीं बावरात नहीं तोड़ सकती। हाँ क्यों, काढ़ा पीकर बाकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? ना ना, अब क्या बताऊं मालती बहन, आपने जो काढ़ा दिया था ना वो पीकर तो उनको यमदूत दिख गया है। क्या, जाओ जाकर देखो उनकी हालत कितनी खराब है। हाँ, मैं देखती हूँ, जाकर तबीयत देखती हूँ उनकी। हाँ हाँ जाओ। अरे संभाल संभाल, वहाँ मत गिर जाना। बा, ये आप क्या कर रही हो? बैग्स क्यों पैक कर रही हो? अभी प्लान अधूरा है। चूल्हे मिल जाए तेरा काम। मालती मेरी हालत तो देख, और मेरी ऐसी हालत में तू मुझे उपवास कराना चाहती है? डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, तू अपने स्वार्थ को लेकर बैठी है। अरे मेरे जीने मरने की कोई फिक्र नहीं है तुझे? बा, ये क्या बचपना है? देखो करोड़ों की जमीन हथियाना का प्लान बना है और आप अपनी तबीयत को रो रही हो। और वैसे भी कहां आप सचमुच का तप कर रही हो, दिन भर खा पी कर लेटना ही तो है। बस, मैं दिन भर कमरे में लेटी रहती हूँ तो हवन कौन करता है? तू आरती, तेरी कोई सखी करने आती है? मुझे ये काम नहीं करना है, मैं जा रही हूँ अपने बेटे के घर। अरे माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? आस्था के ठीक होने का लालच है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। और अगर आप नाटक अधूरा छोड़ दोगी तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। देखिए काम कीजिए, आप विराट के पापा से एक बार बात कर लीजिए। हाथ छोड़ मेरा, नहीं करनी मुझे किसी से बात। आज तक मैंने तुम लोगों के फायदे के लिए काम किया, पर आज जब मुझे जरूरत है तब एक डॉक्टर को भी नहीं बुला सकती तुम। मुझे तुम लोगों के स्वार्थ के लिए मरना नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाइए, वैसे भी कोई उपकार नहीं किया है मुझ पर, सालों तक मेरी ही रोटियां तोड़ी है और आज आपको अपनी बेटी की याद आ रही है। चाहिए चाहिए, यहाँ का प्लान है ना वो मैं खुद हैंडल कर लूँ, कभी लौट के वापस मत आना। चाहिए, देखो बाका गुस्सा थोड़े दिन रहेगा, जब गुस्सा उतर जाएगा तो हम उन्हें मनाकर वापस ले आएंगे हमेशा की तरह। लेकिन मैं परेशान इस बात को लेकर हूँ कि अब तक ये नानावटी बहू है इस प्रभाव के चलते हमारे वश में थी कि बा आस्था को ठीक करेगी, लेकिन अब जब बा ही नहीं है तो हम इन्हें कैसे कैसे अपने वश में कर पाएंगे? उनके घर में तो हम घुस ही गए हैं, अब हमें बाहर निकालना उनके लिए मुमकिन नहीं। आखिर हमें अपना असली रंग तो दिखाना ही था, शायद जल्द ही दिखाना पड़ेगा। दरअसल क्या है ना मालती, कि मेरी फूफी सूरत में रहती है और फूफा जी की तबीयत कुछ खराब है और वो यहाँ आना चाहती है। उम्र भी काफी हो चुकी है और वहाँ देखभाल करने वाला भी और कोई नहीं है, और आकर हमारे घर पे ही रुकने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी कि हो सके तो कल तक तुम लोग यहाँ से खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ तो। देखो बहुत
बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है।